हे गाइस, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। और दोस्तों, हमारे आज के डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे रॉटवाइलर वर्सेस लैब्राडोर के बारे में, जहां एक तरफ काफी अच्छा गार्ड डॉग है, वहीं दूसरी तरफ एक काफी अच्छा फैमिली डॉग है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपने डॉग के लिए लीश या फिर उसके गले का पट्टा खरीदना चाहते हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप अपने डॉग के लिए वो लीश खरीद सकते हैं। तो गाइज, लैब्राडोर और रॉटवाइलर, ये दोनों ऐसी डॉग ब्रीड है जिनको सभी लोग जानते हैं और इनके बारे में सुन रखा है। और जो लोग डॉग लेना चाहते हैं, वो इन दोनों में से एक डॉग ब्रीड को लेने के बारे में जरूर कंसिडर करते होंगे। लेकिन कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए कौन सा डॉग ज्यादा सही रहेगा। जहां एक तरफ रॉटवाइलर है, जिसके बारे में लोगों ने काफी फैला रखा है कि काफी एग्रेसिव होते हैं, और इसी के साथ रॉटवाइलर काफी अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और वो काफी मस्कुलर और स्ट्रांग भी होते हैं। और दूसरी तरफ लैब्राडोर है, जो कि एक अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, काफी जेंटल और काम होते हैं, वो भी काफी एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन वो रॉटवाइलर की तरह इतने ज्यादा मस्कुलर नहीं होते। तो सबसे पहले, जो लोग रॉटवाइलर लेना चाहते हैं और उनके घर में छोटे बच्चे हैं, और उनको अगर लग रहा है कि रॉटवाइलर काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, बच्चों को हार्म ना कर दे, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा टोटली ओनर पे डिपेंड करता है कि ओनर अपने डॉग को किस तरीके से रखते हैं। आप अपने डॉग को जिस तरीके से रखेंगे, जिस तरीके के एनवायरमेंट में रखेंगे, वो वैसा ही बनेगा। अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, एकदम खुला छूट दे देंगे, तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करेगा, काटेगा पीटेगा। लेकिन आपको उसे ट्रेन करना है, उसे अच्छे से लोगों के साथ और दूसरे पेट्स के साथ सोशलाइज करना है, ताकि वो आपकी बातों को मानना सीखे। ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्जी से ही किसी के ऊपर चढ़ गया और किसी को भी काट लिया। तो अगर आप रॉटवाइलर की ब्रीड की एनर्जी को संभाल सकते हैं और उसको अपना अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, सोशलाइजेशन, एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो आप रॉटवाइलर ले सकते हैं। अगर आप उसको फ्रेंडली रखते हैं, तो वो आपके घर वालों को और घर में आने वाले दूसरे मेंबर्स को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं, और किसी भी स्ट्रेंजर से जिनके बारे में उन्हें पता ना हो, उनके देख के वो बाग ज़रूर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने रॉटवाइलर को इतना भी एग्रेसिव ना बनवाए कि वो आपके फैमिली के लिए और आपके लिए ही खतरा बन जाए। अब बात करें लैब्राडोर की, तो लैब्राडोर बजट में आने वाला सबसे बेस्ट डॉग है, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें मिलती है जो एक फर्स्ट टाइम ओनर को चाहिए होती है। ये काफ़ी एनर्जेटिक है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये काफ़ी प्लेफुल है, ये सबके साथ ईजिली घुल मिल जाते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं लैब्राडोर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले बताया कि ये बजट में आते हैं, करीब 10,000 से 13,000 के बीच आपको एक प्योर ब्रीड लैब्राडोर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आजकल काफ़ी मिक्स ब्रीडिंग होती है लैब्राडोर की, जो बचपन में पता नहीं चलता, लेकिन जब डॉग बड़ा हो जाए तब समझ में आता है। तो डॉग लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके लीजिए। और अगर आप घर में अकेले रहते हैं, तो लैब्राडोर आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि लैब्राडोर अकेले रहना पसंद नहीं करते, उनको काफ़ी अटेंशन चाहिए होता है, वो बेसिकली फैमिली डॉग है। तो अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो आप लैब्राडोर बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। लैब्राडोर भी एक काफ़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें टाइम नहीं देना पड़ेगा, इनको भी टाइम की ज़रूरत होती है। और अगर आप इनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और इनको एक्सरसाइज के लिए टाइम चाहिए। और ये काफ़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप इनकी एनर्जी खेल के या फिर जॉगिंग पे ले जाके ख़त्म कर दें, ताकि ये दिन में थोड़ा रेस्ट ले सके, वरना फिर सारा दिन ये उछल कूद करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा डॉग बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करें इस वीडियो पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वो साइड में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।